हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, कभी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे बात कर रहे हैं और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में इसके पहले मैं 3 लेक्चर दे चुका हूं, जो आपका अपना चैनल है उस पर मौजूद है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। स्क्वायर में बहुत सारा कंसेप्ट बताए हैं, जैसे रिपीटेशन फॉर्म 1-1 वाला, उसके बाद 3-3 वाला, 6-6 वाला, 9-9 वाला, उसके बाद 5 से डिविजिबल वाला कैसे बनेगा। उसके बाद हमने आपको बताया थे 50 के आसपास, यानी 50 से कम, 50 से ज़्यादा, 100 से कम, 100 से ज़्यादा, इतना आपको हम बता चुके हैं कि स्क्वायर कैसे करते हैं। और आज हम बताएंगे ऐसा एक तरीका जो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं, 2 डिजिट का। और 2 डिजिट के बाद हम बताएंगे उसके बाद कोई भी नंबर का स्क्वायर कैसे करेंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चे का कहना है कि सर इतना स्लो वगैरह पढ़ा रहे हैं, कितना दिन सिलेबस चलेगा। घबराइए नहीं, मैथ का सिलेबस ऐसे भी 7-8 महीना लगता है, अप्रॉक्स 1 साल भी चल जाता है। भले लोग कहता है कि 7-8 महीना में खत्म हो जाएगा, अगर आप, हम बार बार बोलते हैं कि आपका जो यहाँ मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा है वो फाउंडेशन चल रहा है। फाउंडेशन का मतलब आप समझते हैं कि पूरा थ्योरी देना, पूरा डिटेल में बताना कि आपको दुनिया का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में या कोई भी जॉब का कंपटीशन, 1 डे एग्जाम हो, वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। इसलिए हम इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं, हम स्लो नहीं पढ़ा रहे हैं। आप जाके कहीं और अगर आप पढ़ रहे होंगे या कहीं और टीचर्स के, बहुत सारे टीचर्स हैं, उनका वीडियो देखिएगा, जो भी फाउंडेशन बैच पढ़ाते हैं वो इसी तरह से पढ़ाते हैं, एक एक बात को समझाते हैं आपको। हम कोई टारगेट बैच नहीं पढ़ा रहे हैं कि आए और बक दिए और चैप्टर खत्म कर दिए। आप वीडियो जब देखते होंगे तो आपको लग रहा होगा कि हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। बस यही समझ रहा हूँ कि सामने वाला बच्चा को कुछ नहीं पता है, अगर पता भी है तो वो फिर से पढ़े कि रिवीजन हो जाए। तो वैसे बच्चे जो घबरा रहे हैं, वो प्लीज़ वो पेशेंस रखें। आपका सारा आपका सिलेबस खत्म होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये नहीं देख रहे कि आपको कितना क्वालिटी का नॉलेज मिल रहा है आपको। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कुछ आगे। आज हम बताएंगे 2 चीज़ हम बताएंगे और उसके बाद ये स्क्वायर का सारा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे स्क्वायर रूट में और जैसे ही स्क्वायर रूट खत्म होगा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा मेरे भाई। आप सोचते हैं कि आए और जल्दी से एक एग्जांपल दे, थोड़ा सा थ्योरी बताए, फिर एक एग्जांपल दे, थ्योरी बताए, चैप्टर को खत्म कर दिए। तो भाई मेरे, वो टारगेट बैच में होता है, मैं आपको टारगेट बैच नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर टारगेट बैच पढ़ाऊंगा तो आपको हो सके कुछ बच्चे को समझ में आया, कुछ बच्चे को नहीं आया। लगभग बच्चे को तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि वो मैथमेटिक्स लगभग बच्चे का वीक होता है। हम उन बच्चे पर ज़्यादा फोकस करें, ऐसे सारे बच्चे पर फोकस है, लेकिन उन बच्चे पर खासकर हम ध्यान दिए हुए। हमारा जो भी फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस का जो परिवार है, वो उन बच्चे को सहूलियत देना चाहते हैं जो कमजोर है, इसलिए बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। रह गया दूसरे सब्जेक्ट का, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं, शहर में नहीं है कि सारा बात तुरंत हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। लेकिन जब आपका सारा टॉपिक स्टार्ट होगा, सारे सब्जेक्ट होंगे तो रनिंग में होंगे। थोड़ा सा और रुक जाइए, 2-4 दिन और रुक जाइए, लगभग आपको सेप्टेम्बर से, हम एक टारगेट दे रहे हैं, सेप्टेम्बर से आपके सारे सब्जेक्ट का बात यहाँ पे होगी। आप मैथ में ज़्यादा पढ़ना है इसलिए मैथ रेगुलर हो रहा है, आप तो ऐसा देख रहे हैं। कोई कोई बच्चा का कहना है कि सर रेगुलर वीडियो क्यों नहीं डालते हैं। भाई बीच में पर्व त्यौहार था, तो पर्व त्यौहार में कैसे वीडियो आप लोग को दे सकते हैं? तब मान लीजिए अभी राखी का त्यौहार था तो हम कैसे देंगे? राखी में सब कोई लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं तो कैसे होगा? बीच में कभी संडे हो जाता है तो हम लोग का कहीं जाना हो जाता है, तो इस कारण से 1-2 दिन गैप होता है। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि हर दिन सुबह 9 बजे मैथ का क्लास होता है, आप वहाँ पे जुड़िए और पढ़िए, हर दिन क्लास हो रहा है। आप जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, मैथ का क्लास लगभग 40-50 पूर गया है, लगभग पूरे मैथ फाउंडेशन पर पढ़िएगा ना भाई मेरे, तो 400 क्लास होता है। आप कहीं भी पता कर लीजिएगा, लगभग में 300-400 क्लास होता है, तब मैथ फाउंडेशन खत्म होता है। टारगेट बैच में क्या है, 20 में होगा। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे CGL का तैयारी करते हैं तो वो टारगेट बैच पढ़ रहे हैं, 50 दिन में मैथ खत्म। तो किन बच्चों के लिए है? उन बच्चों के लिए जिनका बेस ठीक है, हम तो आपको फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात बहुत हो गई। तो आज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का कैवा क्लास है, 4th क्लास है। बहुत सारा चीज़ का हम स्क्वायर बता दिए, स्क्वायर करने का बहुत सारा तरीका बताया, आज स्क्वायर बताएंगे कुछ अलग तरीका से हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए 14 का स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर करना है? 14, ये सब आप जानते हैं। लेकिन अब एक दूसरा तरीका, देखिए हम इसलिए बहुत सारा तरीका बता रहे हैं कि कुछ बच्चे को एक तरीका समझ में नहीं आएगा, दूसरा तरीका पकड़ेगा, दूसरा तरीका नहीं होगा, तीसरा तरीका पकड़ेगा, इसलिए हम आपको सारा कंसेप्ट दे रहे हैं। कोई भी तो तरीका मेरे भाई समझ में आएगा,
अब देखिए 14 का स्क्वायर तो सबको याद है 196। सपोज किसी को याद नहीं है, किसी को याद आपको नहीं है कि ये कैसे बनेगा, आई बात समझ में, तो इसको आप कैसे बनाइएगा ये ध्यान से आप लोग समझिएगा। जैसे स्क्वायर में ये 196 होता है, लेकिन इसको हमको दूसरा मेथड से स्क्वायर करना है। तो देखिए सबसे पहले एक डिजिट ले लीजिए, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, बचा कितना 1, यहाँ पे 1 लिख लीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, बचा कितना आपको 1 बचा। और एक और बात है, जब यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यानी दोनों का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको इसमें आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 एकम 2 एकम कितना होता है 2 होता है, और 2 का कितना होता है 8। अब यहाँ 8 जो लिखेंगे एक डिजिट को छोड़कर लिखेंगे, अब इसको जोड़िए 6, 8, 1, 9 और 1, 196 आया। हो सके अभी ये बात समझ में नहीं आया होगा। सपोज हम एक ऐसा नंबर लेते हैं जो आपको पता है, जैसे 23 का स्क्वायर करें। अब आप लोग बताइए कि 23 का स्क्वायर क्या होता है, तो 23 का स्क्वायर क्या होता है 529। आपको हम बताए हुए हैं कि कम से कम 1 से लेकर आपको 30 तक याद रखना होगा। सपोज आपको याद नहीं है, अब इसको स्क्वायर करना है मेरे भाई, कैसे याद कीजिएगा, देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 09, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन हमको 2 डिजिट लेना है तो 09 लेंगे। फिर यहाँ 2 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा 4। अब इसको क्या कीजिए, ये बीच में समझिए कि इंटू का साइन है, और इसको 2 से इंटू कीजिए, 3 दुना 6, 6 दुना 12, एक डिजिट को छोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे 2 होगा, और 4 × 1, 5 क्या हो जाएगा 529। एक्चुअली में इसको जो हम तोड़ रहे हैं किस पे तोड़ रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ रहे हैं, आई बस समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं तो आपको और इजी हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है, बहुत सारा एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल से आपको समझा देंगे कि हम कैसे इसको तोड़ रहे हैं, आई बस समझ में। सपोज हमको 68 का स्क्वायर करना, तो 68 का स्क्वायर करना सिखाए हैं कैसे, 50 से ज्यादा है तो वो लाइक कंसेप्ट आपको पता है जो पिछले क्लास में बता चुके हैं, मान लीजिए वो कंसेप्ट भूल गए, अब स्क्वायर करना है। तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब इसको 2ab पे तोड़िए, तो 8×48, और फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 8×48 दुना कितना हो जाएगा 96। इसको कीजिए जोड़िए, तो 4, 6×6 = 12, 1, 9×6 = 15, 1×16 = 6, 1, 3×1 = 4 कितना हो गया 4624 हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से भी आप स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं, समझ में आ रही बात। और एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमको 15 का स्क्वायर करना है, 15 का स्क्वायर सबको पता है 225, अगर मान लीजिए किसी को याद नहीं है इसको स्क्वायर करना है, ठीक है, तो पहले 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, याद रहे पहला जो नंबर लेंगे वो 2 डिजिट होना चाहिए, बाद वाला 2 डिजिट हो 1 डिजिट हो 4 डिजिट हो उससे कोई बहस नहीं है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अब इसको 2ab पे तोड़िए, तो 5 × 5 और 2 से गुना कर दीजिए, तो कितना होगा 5 × 5, 5 × 10। अब इसको जोड़िए 5, 2 और 1, 2, तो कितना पे हो गया 225, यहाँ पे कितना हो गया 225। उम्मीद है कि इस तरह का भी क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे 53 का स्क्वायर, तो आपको हम बताए हुए 53 का स्क्वायर कैसे होगा, 50 के करीब है, मान लीजिए वो कंसेप्ट आप भूल गए, अब इसको बनाना है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, आगे 0 दे देंगे, और यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। अब इसको 2ab पे तोड़िए, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, 2 × 2 = 10, 10 × 3 = 30, एक डिजिट छोड़कर, तो कितना होगा 9, 0, 5, 3, 8 और 2, 2889 भी आता है। अगर आप इसको 50 वाला स्टाइल में तोड़िएगा, क्योंकि 50 के करीब है, तो 50 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो 09, और 50 का आधा करते हैं तो आधा करेंगे तो 25, 3 को जोड़ देते हैं तो 28। आप वैसे भी निकालिए ऐसे भी निकालिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक और ट्रिक बताएंगे, वो जब पढ़िएगा ना तो वो सबसे बेहतरीन ट्रिक है। आपको अभी तक जो ट्रिक बताए हुए हैं स्क्वायर करना, वो स्क्वायर आप 130 तक कर सकते हैं, क्यों 30 तक तो याद होता है, फिर 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130 होगा, लेकिन हम आज एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप बड़ा से बड़ा नंबर का भी स्क्वायर करेंगे। पहले आप इस तरीका को समझिए, तब हम आपको और भी बहुत सारा तरीका हम आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए 79 का स्क्वायर करना है मेरे भाई, 79 का स्क्वायर कितना होगा, तो पहले 9 का स्क्वायर कर दीजिए 81, और 7 का भी स्क्वायर कीजिए कितना होगा 49। अब इसको 2ab पे तोड़िए, तो 7 × 2 = 14, 14 × 9 = 126।
एक 814 के 4, एक 9 2 11, एक 12 के 2, एक 4 1 5, आई कितना हो जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा 6241। तो देख रहे हैं कि इस तरीका से आप अगर कोई स्क्वायर नहीं भी याद है तो खुद से स्क्वायर बना सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? आपको अगर स्क्वायर नहीं भी याद है तो खुद से स्क्वायर काफी स्पीड में निकाल सकते हैं। आई बस समझ में? कुछ और बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 83 का स्क्वायर करना है, कैसे कीजिएगा? तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, तो 0 9। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। आई बस समझ में? अब इसको 2ab पे तोड़िए, यहाँ पे 2 से इंटू कर दीजिए, 8 2 16, 16 3 48, ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 6889। कितना हो जाएगा आपका? 6889 आ जाएगा। तो इस तरह का भी स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। आई बस समझ में? कुछ और बात करते हैं। सपोज कीजिए मुझे 28 का स्क्वायर करना है, 28 का, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अब इसको आगे 2 लगा के गुना कर दीजिए, 2 2 न 4, 4 8 चौका 32, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 6 2 8, 4 3, तो बताइए तो 28 का स्क्वायर 784 होता है कि नहीं होता है? होता है। और एग्जांपल समझिए, मान लीजिए मुझे 27 का स्क्वायर करना है, कैसे कीजिएगा? तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है, फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिए, फिर इसको 2ab पे तोड़िए, 2 2 न 4 4 7 28, इसको जोड़िए 9, हमेशा एक डिजिट को छोड़कर, 9 8 4 12 के 2 1, 4 2 1 6 1, कितना हो जाएगा? 7। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आप आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं। आई बात समझ में? एक बात याद रहे, जब आप स्क्वायर करना सीख जाइएगा तो देखिएगा मेरे भाई, स्क्वायर रूट आपको बनाने में काफी इजी होगा। और आपको हम स्क्वायर पे इसलिए ज्यादा हम आपको बात कर रहे हैं, कंसेप्ट सिखा रहे हैं कि आप किसी भी तरह से स्क्वायर याद कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 30 तक भी स्क्वायर याद नहीं हो पाता है, और याद करते हैं तो भूल जाते हैं, तो वैसे बच्चों के लिए ये ट्रिक है। तो हम लोग का इस परिवार का फ्यूचर ऑनलाइन क्लास का एक ही मकसद है कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी ऊपर उठे। इसलिए हम सारे बात को पूरा डिटेल में, आपको और भी सब्जेक्ट होगा तो आप देखिएगा, सारा सब्जेक्ट लगेगा कि फाउंडेशन बैच चल रहा है, पूरा डिटेल में बात होगा, शॉर्टकट में यहाँ बात नहीं होगा, टाइम लगेगा। आप लोग बहुत सारा बात सोचते होंगे, अरे ये बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, तो स्लो पढ़ाने का रीजन है कि सारे बच्चे को समझ में आए, एक बच्चे से हमको काम नहीं चलना है, मुझे सारे बच्चे को पढ़ाना है। और सारे बच्चे में कमजोर भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं, तेज भी होते हैं। तो तेज वाला तो कहीं भी पढ़ के निकल जाएगा, यहाँ भी पढ़ के निकल जाएगा, नहीं भी पढ़ेगा तो अपना काम कर लेगा। बट मीडियम वाले बच्चे और जो कमजोर बच्चे हैं उनको तो ध्यान देना होगा। इसलिए हमने फाउंडेशन बैच लेकर आया। इसके पहले इस चैनल में, इस चैनल पे फाउंडेशन बैच की बात नहीं हो रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई एक फाउंडेशन बैच मैथमेटिक्स का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैथ्स लगभग बच्चे का वीक ही होता है। आई बस समझ में? तो घबराइए नहीं मेरे भाई, आप देर से कोई काम कीजिए वो दुरुस्त होता है, देर वाला जो होता है ना दुरुस्त होता है, शॉर्टकट का कोई मंजिल नहीं होता है। आई बस समझ में? हाँ, शॉर्टकट भी मंजिल मिलता है, कौन बच्चे का जो पहले से तैयारी किए हुए हैं, हम कोई टारगेट बैच नहीं पढ़ा रहे हैं। जब आप एक बार फाउंडेशन बैच पढ़ लीजिए, इसके बाद आप देखिएगा इस चैनल पे खाली टारगेट बैच का बात होगा। जो कमजोर बच्चा होगा जाकर अपने प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लेगा। तो अभी पहली बार आपके इस चैनल पे मैथ्स पूरा डिटेल में बात हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, घबराइए नहीं उन बच्चे को जो पेशेंस नहीं रखते। अब देखिए अगला पे बात करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 75 का स्क्वायर करें, तो 75 का स्क्वायर तो बड़ा ईजी है, 5 का स्क्वायर 25, और एक बढ़ा लेते हैं 8 7 56। लेकिन मुझे इस तरीका से बनाना है, तो कैसे बनाइएगा जरा देखिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। अब आगे यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे 2 से इंटू कर दीजिए, 2 7 2 न 14, 14 5 70, जोड़िए 5 2 9 7 16 के 6 1, 4 1 5, देखिए तो 5625 आया कि नहीं आया। तो आप ऐसे भी कर सकते, कितना टाइम लग रहा है? थोड़ा भी टाइम लग रहा है, काफ़ी स्पीड हो रहा है। तो आप देखिएगा जो भी ट्रिक बताया जाएगा वो एकदम जो तो होता नहीं है स्मूथली, मतलब कि तुरंत दिमाग में एकदम शार्प हो जाएगा आपका माइंड, पढ़ के तो देखिए। जैसे मैं कह दूँ और दे देते हैं, मान लीजिए मुझे 99 का स्क्वायर करना है, 99 का स्क्वायर तो सबको पता है कितना आएगा, 9801 आएगा। लेकिन मुझे इस फॉर्मूला के द्वारा बनाना है, तो देखिए कैसे बनाइएगा, 9 का स्क्वायर 81, फिर 9 का स्क्वायर 81, अब इसको 2ab पे तोड़िए, 9 2 18, 18 नवा कितना होता है? 126।
नहीं नहीं सॉरी 162। फिर से करते हैं, देखिए 9 का स्क्वायर 81, फिर 9 का स्क्वायर 88, और 9 9 81 2 9 162, 18 9 162 होता है, 1 8 2 10 के 0 1, 6 1 7 1 8 8 8 1 9। देखिए तो 9801 आया कि नहीं आया। तो आप इसी फॉर्मूला से भी कोई भी नंबर का स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाला जो तरीका है आप आसानी से समझ गए होंगे कि कैसे बनेगा। कुछ और ले लेते हैं, 2 4 गो और। जैसे मान लीजिए 32 का स्क्वायर करना है, कैसे कीजिएगा? 2 का स्क्वायर 4, तो सिंगल है तो इसको डबल कर दीजिए, और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। अब आगे 2 से इंटू कर दीजिए, 2 3 6, 6 2 9 12, यहाँ 4 होगा, यहाँ 2 होगा, 9 1 10 होगा इसका, यानी 32 का स्क्वायर कितना होगा? 1024। और आइए मान लीजिए 52 का स्क्वायर करना है, कोई भी नंबर ले लीजिए। तो ये किसका बात हो रहा है? सिर्फ 2 डिजिट का बात हो रहा है, 2 अंक का बात हो रहा है। कितने अंक का बात हो रहा है? 2 अंक। 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से लेकर कहाँ तक? 99 तक। ये बात आप जो कंसेप्ट बता रहे हैं 10 से लेकर 99 तक आप आसानी से निकाल सकते हैं। हेडिंग क्या डालिएगा? अगर ना हो तो हेडिंग आप डाल दीजिए, किसी भी 2 अंकों का स्क्वायर, किसी भी 2 अंक का वर्ग कैसे निकालिएगा। जरा सोचिए, 2 अंक का स्क्वायर अगर आप इस मेथड को पढ़ ले रहे हैं तो 10 से लेकर 99 तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको स्क्वायर नहीं भी याद है तो आप जल्दी से आप इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे 52 का स्क्वायर करना है, 52 का स्क्वायर कितना होगा पता है कि नहीं पता है? 2704 होगा। कैसे? 2 का स्क्वायर 04, 50 का आधा कीजिए 25, और 25 में 2 जोड़ दीजिएगा 27 आएगा। अब जरा फॉर्मूला पे बनाइए, जो हम तरीका बताए इस ट्रिक पे बनाइए। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। अब इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 2 5 10, 10 2 9 20, यहाँ पे क्या होगा? 4 0 7 2। तो उम्मीद है कि अब आपको 10 से लेकर 99 तक में कोई दिक्कत नहीं होगा स्क्वायर करने में। अब बात करते हैं कि अगर 12 आ जाए, 100 आ जाए, 200 आ जाए, 400 आ जाए, 450 आ जाए, 470 आ जाए, यानी अब हम बात करेंगे 1 से लेकर जितना बड़ा नंबर हो उसका स्क्वायर कैसे कीजिएगा, अब उस पर बात हो। आई बात समझ में? चलिए, तो ये आप टाइप सीख लिए, यानी 10 से लेकर 99 तक कैसे बनाइएगा वो तो समझ गए होंगे। एक दो और बता देते हैं कि सारे बच्चे का क्लियर हो जाए। जैसे मैं कह दूं कि 39 का स्क्वायर करना है, कैसे कीजिएगा? तो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81, और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। इसको 2ab पे तोड़िए, आगे 2 से गुना करके, 2 3 6, 6 9 कितना होगा? 54। जोड़िए, 1 8 4 12 के 2 1 बचेगा, 9 5 14 1 15। और इसको अगर आप 50 वाला मेथड से बनाइएगा तो 50 से कितना कम है? 11। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो पहले यहाँ 21 लिख दीजिएगा, और चूंकि 11 कम है तो 25 में 11 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 14। और ये वाला हासिल जोड़ दीजिएगा 15। देखिए तो 1581 आया कि नहीं। तो आप किसी भी मेथड से बनाइए, आप आसानी से बना लीजिएगा। अब बात करते हैं कुछ और टाइप पे, अब हम बात करेंगे कुछ ज्यादा का बात। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए बेस 100 का, और ये जो तरीका बता रहे हैं मेरे भाई, ये इनफिनाइट वैल्यू का स्क्वायर कर सकते हैं, ना इनफिनाइट तो 1000 तक आराम से कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं कहूं कि 105 का स्क्वायर करो, इसका क्या करो? 105। तो पहला तरीका हम क्या बताएं कि 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 5। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, जो पिछले वीडियो में बताए थे, और जो 5 ज्यादा है इसी में जोड़ देते हैं तो 110 हो जाता है। ये तो पहला तरीका जान रहे हैं। मान लीजिए आप ये तरीका नहीं जानते हैं तब कैसे बनाइएगा? तो ध्यान से समझिएगा ये कैसे बनेगा। आई बात समझ में? सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 5 का, इस दूसरा मेथड समझिए, इसका दूसरा मेथड 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर करना है तो पहले कितना ज़्यादा है? 5 25 कर दिए। अब क्या कीजिए, ये कितना ज़्यादा है मेरे भाई? 5 ज़्यादा है, और बेस में कितना है? बेस मतलब ये 100 के करीब है, यानी 100 के बेस में हुआ। तो इसमें 100 के बेस में यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 1 देख रहे हैं। तो अब क्या कीजिए, यहाँ पे 105 गुना 1, और 5 ज़्यादा है, 5 इसमें जोड़ दीजिए। देखिए 105 में 1 जोड़ेंगे 105, और फिर 5 जोड़िएगा 110। अब कहिएगा कि अभी समझ में नहीं आया, 2 4 एग्जाम्पल लेंगे तो आपका बात क्लियर हो जाएगा। ये पहला नंबर हो गया, आई बस समझ में? ये मान लीजिए पहला नंबर हो गया। सपोज हमको 113 का स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर करना है? 13 का स्क्वायर करना है। आई बस समझ में? 113 का स्क्वायर ऐसे कितना होगा? 113 का अगर आप मेथड से बनाइएगा, ये वाला मेथड से, तो कितना होगा समझिए?
सबसे पहले यहाँ पे जब 13 तो कितना ज्यादा है मेरे भाई, 13 ज्यादा है, तो 13 को क्या लिखते हैं, 169, तो 69 को पहले लिख दीजिएगा, और चूंकि 13 ज्यादा है तो इसमें 13 जुड़िएगा तो कितना आएगा 126, और फिर 1 जुड़िएगा तो 127 होगा। ये कौन विधि है जो आपको हम बताए थे 100 से ज्यादा, लेकिन हम आपको एक नया मेथड सिखा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए कैसे, इसी क्वेश्चन को मान लीजिए 113 का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है 13, 100 बेस लिए है क्योंकि 100 के करीब है, तो 100 से कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, 13 को आप क्या लिख सकते हैं, 69। क्यों 69 लिखे, क्योंकि 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, तो आप 69 ले लीजिए, 69 ले लीजिए, क्योंकि इसके बेस में कितना है, 100 में, 100 के बेस में है तो 100 में क्या है यहाँ पे 1 है, इसलिए 1 लेंगे। अब इसके आगे क्या करेंगे कि यहाँ पे 113 लिख देंगे, बेस में 1 लिखेंगे और कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, घबराइएगा नहीं। तो 113 में 1 जोड़ेंगे, गुना करेंगे 113, और फिर 13 जोड़ेंगे तो 126, और यहाँ का 1 जोड़ेंगे 127। अब देखिए और बताएंगे ना तो क्लियर होगा, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे 201 लिख दिए, अब क्या लिख दिए, 201, और इसका स्क्वायर करना है, चाहे और बड़ा नंबर लेते हैं, मान लीजिए हम और बड़ा लेते हैं, छोटा नहीं और बड़ा लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ 208 ले लेते हैं, कितना ले लिए, 208, इसका बेस कितना होगा, 200, क्योंकि 200 से करीब है, तो बेस कितना होगा, 200, यानी बेस में कितना हो जाएगा यहाँ पे, दो लेके चलेंगे आप, तो 200 से कितना ज्यादा है, 8, यहाँ पे 64 कर दीजिए, 64 कर दिए, 64 कर दिए। अब जितना ज्यादा है, जैसे यहाँ देखिए जितना ज्यादा था उसको जोड़े हैं ना, और यहाँ बेस में 1 था तो 1 से गुना किया, यहाँ बेस में कितना है, 2, तो पहले यहाँ 208 गुना 2 कर दीजिए, 208 गुना कितना कर दिए हम, 2 कर दिए, और फिर क्या कीजिए, जितना ज्यादा है उसको जोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए 208 में 2 से गुना कीजिएगा, 216 आएगा, और 8 जोड़िएगा 224 आएगा, यहाँ पे 224 लिख दीजिए। आई बस समझ में, ये कैसे हुआ समझ में, आया कि नहीं आया, एक मिनट, यहाँ 2 से कीजिएगा, एक मिनट, मल्टीप्लाई गलती कर दिया, 8 दुना 16 के 6, 1, 1, 2 दुना 4 ना होगा, और 8 जोड़िएगा, 8 से 14 के 4, 1, 1, 1, 2, और यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 424 होगा, कितना होगा, 424। उम्मीद है कि ये बात आपको, और एक और बात है यहाँ पे, जैसे एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ हम छोड़ दिए, जैसे फिर से देखिए समझिएगा, जैसे यहाँ पे 8 का स्क्वायर हमने क्या कर दिया, 64 कर दिया, कितना कर दिया, 64। अब जरा ध्यान से समझिएगा, पहले 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 64 कर दीजिए, 64 कर दिए, 64 करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले इसमें जोड़ दीजिए, कितना ज्यादा है, 8, तो 216 हो गया। अब इसमें 2 से गुना कीजिए, कितना से गुना कीजिए, 2 से, तो कितना हो जाएगा, 432, कितना हो जाएगा, 432 और 64 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा, नहीं तो एक और देखते हैं। मान लीजिए 209 का स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर, 209 का, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। पहले जो ज्यादा है, पहले क्या है आपको, ज्यादा है, उसको यहाँ जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 218 हो गया, और कितना बेस है, 2, 2 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 436 हो गया इसका स्क्वायर, यानी 436 और कितना आ जाएगा, 81। आई बस समझ में, अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो कुछ और एग्जांपल बोलते हैं, जैसे 224 का स्क्वायर करना है, कैसे कीजिएगा, कितना ज्यादा है मेरे भाई, 200 से 24 ज्यादा है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर 100 बता दिए, 200 बता दिए, 150 कैसे होगा, 250 कैसे होगा, 230 कैसे होगा, वो भी बताएंगे। पहले हम आपको जीरो वाला कंसेप्ट बता दे रहे हैं, बेस में 100, यहाँ पे बेस में कितना है, मान लीजिए यहाँ पे हम बेस कितना का बात कर रहे हैं, 200 का बात कर रहे हैं, आई बात समझ में। अब 224 है, तो 224 200 से कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है, तो 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576। तो पहले यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, 76 लिख दीजिए, हासिल 5 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग 76 लिख दिए, कितना लिख दिए, 76 लिख दिए। अब 76 लिखने के बाद कितना ज्यादा है, 24, यहाँ 24 जोड़ दीजिए, तो 248। फिर
बेस में कितना होगा? दो। बेस में दो, दो क्यों होगा? कोई भी क्वेश्चन में जो भी बेस दिया रहे, जैसे यहाँ 200 है ना बेस, इसमें 100 से डिवाइड कर दी, कितना अर्थ कटेगा? दो मरते, इसलिए दो से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ दो से मल्टीप्लाई कीजिए, तो दो से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 496 आएगा, और इसमें का हासिल 5 है, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 501। इसका स्क्वायर कितना होगा? 501/76 होगा। कितना होगा? 501/76 होगा। और समझिए, और एक दो एग्जाम्पल समझिए, तब और क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दें, हम यहाँ पे लिख दें कुछ भी, मान लीजिए 216 कर दिए, तो 16 का स्क्वायर ध्यान से समझिएगा 256। पहले आप यहाँ पे 56 लिख दीजिए, कितना ज्यादा है? 16, इसको जोड़ दीजिए 232, बेस में कितना होगा? 2 होगा, तो 464 हो जाएगा, और कितना हासिल था? 2, तो 400 कितना हो जाएगा? 66, यही इसका स्क्वायर होगा। अब कहिएगा सर जरा एक चेक करके मल्टीप्लीकेशन करके दिखा दीजिए। देखिए आपको मल्टीप्लीकेशन करके बताते हैं, 216 में 216 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा 6 36 3 9 14 12, 6 फिर 1 फिर 2, 14 12 के 2 1 3, और यहाँ पे 4, 6 9 6 15 के 5 1 3 1 4 2 6 3 2 5 1 6, और यहाँ 4। देखिए तो 46 656 है कि नहीं है, और हम बता रहे हैं और क्लियर हम करते हैं। अभी 2 का बेस चल रहा है, अभी 3 का चलेगा, 150 का चलेगा, बहुत आपको आज बताएंगे हम। जैसे मान लीजिए 217 का स्क्वायर करना है, 200 से कितना ज़्यादा है? 17 ज़्यादा है, तो जब 17 ज़्यादा है तो 17 का स्क्वायर कितना होगा? 289। तो पहले यहाँ पे 89 लिख दीजिए, लिख दिए 89। अब 17 ज़्यादा है तो 17 यहाँ जोड़ दीजिए, तो 234, क्योंकि बेस में कितना होगा? 2, तो 400 कितना हो जाएगा? 68, और यहाँ 2 है, 2 जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 470। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 470। उम्मीद है कि अब 200 का बेस वाला भी दिक्कत नहीं होगा, 300 का भी बेस रहेगा उसमें भी दिक्कत नहीं होगा। अब बात ये उठता है कि अगर अगर 200 से कम आ जाए, ध्यान से सुनिएगा, 200 से क्या आ जाए? कम आ जाए, उसको आप कैसे बनाइएगा? अब उसको बनाना है कैसे, आप ध्यान से समझिएगा। जैसे एक क्वेश्चन दे दें कोई सा भी, मान लीजिए हम 199 दे दिए, क्या दे दिए? 199, और इसका स्क्वायर करना है। तो देखिए तो ये 200 के करीब है कि नहीं, किसके करीब है? 200 के करीब, तो 200 से कितना कम है? 1, तो पहले 1 का स्क्वायर क्या होगा? 01 होगा। कम है, ज़्यादा वाला में जोड़ते थे, कम वाला में घटाएंगे, तो 1 घटा दीजिए तो कितना होगा? 198। चूँकि ये 200 के करीब है तो 200 यानी 2 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा? 2, यहाँ 8 दुना 16 के 6 1 19 दुना 38, 1 39, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 396, यानी कि इसका स्क्वायर कितना होगा? 396/01। एक और समझते हैं, और समझिए, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? 396 लिख दिया। अब देखिए पहला हो गया, दूसरा अगर मान लीजिए हम कोई सा भी 184 का स्क्वायर कर दिए, ये 200 के करीब है, किसके करीब है? 200 के करीब, तो 200 से कितना कम है? 16, 16 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि 256 होगा, तो पहले आप 56 लिख दीजिए, लिख दिए, कितना कम है मेरे भाई? 16 हटा दीजिए, तो 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा, 7 में से 1 गया, 6 बचेगा, और यहाँ 1, और इसका हासिल कितना है? 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 170, तो कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? 170, 56 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमको 196 लेना है, क्या लेना है? 196, ये कितना कम है? 4, तो 4 का कितना होगा? 4 कम है तो 4 का कितना हो जाएगा? 16, इसमें से 4 घटा दीजिए क्योंकि कम है 200 से, तो कितना हो जाएगा? 192, बेस में तो 2 होगा क्योंकि 200 से तुलना कर रहे हैं, कितना हो जाएगा? 2 दुना 4, 9 दुना 18 के 8, 1 2 एकम 2, तो कितना आएगा? 284/16 आएगा, कितना आएगा? 200, यहाँ पे 2 एकम 3 होगा, यहाँ पे कितना होगा? 384/16 होगा। उम्मीद है कि 200 के करीब भी आप समझ गए होंगे। अब बात होता है, मैंने आपको क्या सिखा दिया? 100 के करीब,
200 से करीब, 200 से आप ज़्यादा, आप कहाँ तक जा सकते हैं, 30 तक, क्योंकि 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। लेकिन सपोज 150 के करीब आ जाए, मान लीजिए 152 का स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर करना है, 152 का स्क्वायर करना है, कैसे कीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो और छोटा कर देते हैं, तब बड़ा में आएंगे। मान लीजिए एक छोटा में आते हैं, 123 का स्क्वायर करना है, 123 तो 100 के ही करीब है, 123 किसके करीब है, 100 के ही करीब है, तो 123 को हम छोड़ दें या आप और ले लीजिए। मान लीजिए हम वही लेते हैं, 152 का स्क्वायर करना है। अब ध्यान से समझिएगा, ये 150 से ज्यादा है, इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे दो, 150 से कितना ज्यादा है, दो, तो दो का स्क्वायर कितना होगा, चार, दो का स्क्वायर कितना होगा, चार होगा। अब इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से सोचिए, तो ये 150 के करीब है, तो 150 से कितना है आपका ज्यादा, दो ज्यादा है, दो ही ना ज्यादा है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब दो ज्यादा है तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, दो दो क्या कर देंगे, 150 के करीब है तो दो को यहाँ पे जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 154। अब बात ये उठता है कि 200 के करीब था तो दो से गुना किए, 100 के करीब है तो एक से गुना किए, लेकिन अगर 150 के करीब है तो कितना से इसका बेस होगा, तो हम आपको बताए हैं कोई भी बेस निकालना हो तो उसको 100 से भाग देते हैं, तो 1 0 से 1 0, 5 3 15, 5 2 10, तो यहाँ मल्टीप्लाई कितना से गुना करेंगे, 3/2 से। अब इसको 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे कैमर से कटेगा, 2 7 14, 2 7 14, 77 में आप 3 से गुना कीजिए, 17 21 के 1 2, 17 21 या 2 कितना हो जाएगा, 231। आप चेक कर सकते हैं, 152 में 152 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 15 2 9 30, 0 6 2 7, 2 5 1, क्या होगा यहाँ पे देखिए, 4 0 6 2 8 3 11 के 1 7 5 12 1 3, एक दो आ गया कि नहीं आ गया। तो आप 150 के करीब, अभी एक दो और एग्जाम्पल बताएंगे, देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए तो आप 1000 तक अपने आप बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे दे दे सपोज 178 का स्क्वायर कर दिए, किसका स्क्वायर कर दिए, 178 का, आई बात समझ में। अब ये 178 200 के करीब है, और छोटा लेते हैं क्योंकि ये 200 के करीब चला जाएगा। ऐसे मान लीजिए 162 का स्क्वायर करना है, तो 162 150 से कितना ज़्यादा है, 12, तो पहले 12 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा, 144, तो पहले 44 लिख लीजिए, लिख लिए, ज़्यादा कितना है, 12, 12 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 174। और ये 150 का करीब है तो 150 का बेस कितना होगा, 3/2, 3/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 8 16, 2 7 14, और इसमें 3 से गुना कीजिए, 17 21 के 1 2, 8 3 24 या 2 कितना हो जाएगा, 26, और एक हासिल बचा है तो कितना हो जाएगा, 262। आप चेक कर लीजिए, 162 में 162 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना होगा, चेक करते हैं, 6 2 9 12 के 2 1, 37 के साथ 3 9, फिर 2 6 1, यहाँ 4, यहाँ भी 4, यहाँ 2 1, 9 6 15 116 के 6 1, देखिए 262 और 44। अब बताइए धीरे धीरे आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए 100 के करीब भी बता दिए, 150 के भी करीब बता दिए, 200 के भी करीब बता दिए, सबका तरीका वही है, सिर्फ बेस में कितना से गुना करेंगे, तो बेस निकालने का क्या तरीका है, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऑलवेज डिवाइड करेंगे। ये मान लीजिए अगला क्वेश्चन था, ये भी अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन दे देते हैं। मान लीजिए आपको 149 का स्क्वायर करना है, ये 150 से कितना कम है, एक कम है, यहाँ 150 से ज़्यादा था, अब कम पे आते हैं, तो ज़्यादा में जोड़ते हैं कम में घटाएंगे, तो 149 का स्क्वायर कितना होगा, यानी 149 150 से कितना कम है, एक, तो एक का स्क्वायर क्या होगा, 0 1, कम है तो घटा दीजिए, तो कितना आएगा, 148, और इसको इंटू कितना से करेंगे, 3/2 से, काटिएगा इसको, इसको काटिएगा तो कैमरे तो कटेगा, 74 बार में मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 12 के 2 1, 17 21, आ एक कितना हो जाएगा, 22, 22 222 01 आया, चेक कर लीजिए। आपको हम चेक करके इसलिए बता रहे हैं कि आप क्लियर हो जाइए, 9 9 81 के 1 8 बचेगा, 9 4 का 36, 8 44, और यहाँ पे 13 होगा, फिर यहाँ 4 9 4 का 36, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 4 का 36 6, 4 4 का यहाँ पे 16 3,
19, 1, 5, फिर यहाँ 9, यहाँ 4, यहाँ पे 1, 1, 6, 4, 10 के 0, 1, 9, 9, 18, 3, 21, 1, 22 के 2, 2, 5, 4, 9, 1, 11, 1, 12 के 2, 1, यहाँ पे देखिए वही आया कि नहीं आया। तो अब आपको गुना करने का जरूरी नहीं है, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं इनटू करके। अब आइए अगला देखते हैं। तो आप क्या क्या सीख लिए, 100 के करीब, 200 के करीब, 200 से ज्यादा, 200 से ज्यादा कहाँ तक, 230 तक, फिर 150 देख लिए, 150 से ज्यादा भी देख लिए, 150 से कम भी देख लिए। अब कुछ और बातें देख लेते हैं। सपोज आपको 235 का स्क्वायर करना है, 235 ये किसके करीब है, 250 के करीब है, तो ये 250 के करीब है तो कितना कम है, 15, तो 15 का स्क्वायर कर दिए, 200 कितना होगा, 25, हमने यहाँ पे 25 लिख दिया, हासिल कितना बचा है, 2, चूंकि कम है तो घटाइए, कितना कम है, 15, कितना कम है मेरे भाई, 15 कम है 250 से, घटाइए, 5 5 0, 3 में से 1 गया 2, और यहाँ पे 2। अब इसका बेस कितना होगा, चूंकि 200 के करीब है, 200 नहीं 250 के करीब है, इसमें 100 से डिवाइड कीजिए, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, यहाँ पे कितना से इंटू करेंगे, 5/2 से, और हासिल कितना है 2, तो इसमें 2 जोड़ देंगे, इसको 2 से काटिए, कितना से कटेगा, 110, 110 में 5 से गुना कीजिएगा 550, और 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 552, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 552। आप चेक कर लीजिए, देखिए हम आपको चेक करके भी आपको हम बता रहे हैं। चलिए एगो चेक करके बता देते कि आप कंफर्म हो जाइए, 235 में 235 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ 5 होगा 7 होगा और यहाँ पे 11 होगा, 5 होगा 0 होगा 7 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 0 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 5, 7 5 12 के 2, 1, 1 का 1 2, 7 7 14 1 15 के 5, 1 4 1 5, देखिए तो 55 225 है कि नहीं है। तो अब बताइए मेरे भाई, अब एगो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि दुनिया का कोई भी स्क्वायर हो हमेशा 100 बेस। अब याद कीजिए 50 का जब करीब गए थे तो वहाँ पे हम 50 का आधा लेते थे, क्यों लेते थे, अब समझिए, एक आपको एक तरीका बताया, मान लीजिए आपको 56 का स्क्वायर करना है, ध्यान से 50 से ज़्यादा है तो यहाँ देखिए कितना ज़्यादा है, 6, तो यहाँ 36 कर दीजिए, 6 ज़्यादा है तो यहाँ 6 जोड़ दीजिए तो कितना होगा, आपका 62 होगा, और इसका बेस कितना होगा, तो 50 में 100 डिवाइड किया, ऐसे इसका बताइए तो स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36, 25 6 31, 31 होगा, देखते हैं कि 31 आता है कि नहीं, 2, इसका बेस कितना होगा, 1/2, इसीलिए 50 को आधा करते थे 25, क्योंकि उसका बेस क्या हो जाएगा, 50 का बेस 1/2, और 50 को 1/2 से डिवाइड कीजिएगा तो 25 होगा, इसको भाग दीजिए 31, मतलब देखिए तो 31 है कि नहीं है, इसलिए 50 वाला में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, 25 लेते हैं, क्यों लेते हैं, समझ में आ गया। अब कुछ और बात, हम लोग 200 के करीब चल गए, अब मान लीजिए 300 के करीब आ जाते हैं, किसके करीब आ जाते हैं, 300 के, मान लीजिए मुझे 312 का स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर करना है, 312 का, ये किसके बेस के किसके करीब है, 300 के करीब है, क्योंकि 312 है तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144, पहले आप 44 लिख दिए, कैरी कितना है, 1, यानी हासिल है, अब इसमें 12 जोड़ दीजिए कितना होगा, 324, अब इसमें हम कितना से इंटू करेंगे, तो इसके 300 के बेस में है इसमें हम 100 से भाग देंगे तो कितना इसका बेस होगा, 3, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और कैरी कितना जोड़ दीजिएगा, 1, तो कितना होगा, 4 3 12 के 2, 1, 3 2 6 1 7, 3 3 9, यहाँ 973 होगा, इसको भी चेक कर दें, चलिए चेक कर देते हैं तो आप क्लियर हो जाइएगा। मान लीजिए 300 यहाँ 12 है और यहाँ 312 है, कितना होगा, 4 2 6 2 1 3 6 3 9, यहाँ क्या होगा, 4 4 13 के 3 1 7 9, देखिए तो 973 और 44 है कि नहीं है, है तो आप समझ सकते हैं मेरे भाई कि कोई भी अब आप स्क्वायर हो आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। अब आपको हम समझाते हैं, अगर 100 रहे तो 1 बेस, 150 रहे तो कितना बेस लेंगे, 3/2, 150 का बेस में, अगर 200 रहे तो कितना से मल्टीप्लाई, 2 से, अगर 250 रहे तो किसका बेस हो जाएगा,
5/2, अगर 300 रहे तो कितना से मल्टीप्लाई, 3 से, अगर 350 रहे तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 7/2 से। समझ में आ रही बात, कैसे हम कर रहे हैं, तो 3.5 में कितना से डिवाइड करेंगे, 100 से, तो कितना आएगा, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 7/2 से, 350 के करीब रहे तो। अगर 400 रहेगा तो किसका कितना से मल्टीप्लाई, 4 से, अगर 450 रहे तो कितना, 9/2, अगर 500 रहे तो कितना से मल्टीप्लाई, 5 से। अब बताइए, जितना बात आपको हम बता रहे हैं, 600 हो, 650 हो, 700 हो, 750 हो, क्योंकि आपको 30 तक यादें रहता है। आई बात समझ में, अगर आप ये सारा बात समझ गए होंगे जरूर कमेंट करके बताएंगे, अगर समझ में नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, फिर से बताने का कोशिश करेंगे, कुछ और एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाने का कोशिश करते हैं। चलिए, तो अब तो तरीका समझ में आ गया। सपोज अब मुझे मान लीजिए 300 से बढ़ते हैं, 398 का स्क्वायर करना है, कितना बेस है, 400 होगा, 400 के करीब है, तो 400 से कितना कम है, 2, तो 2 का स्क्वायर 0.4, 2 कम है, 2 से घटा दीजिए, 396, और इसमें कितना से गुना कर देंगे, 4 से, कोई हासिल नहीं बचा है, तो 6×4 = 24, 2, 9×36 = 2, 38×8 = 3, 4×3 = 12, 3×15 कितना आएगा, 15.8804, कितना आएगा आपका, 15.8804, आप कैलकुलेटर से भी कीजिएगा तो चेक कीजिएगा तो इतना ही आएगा। तो आप दुनिया का कोई भी स्क्वायर हो, आप समझ सकते हैं कितना बेहतरीन ये ट्रिक है, दुनिया का कोई भी स्क्वायर करने का। मान लीजिए आपको 513 का स्क्वायर करना है, कितना ज़्यादा है, 13, तो 13 ज़्यादा है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। अब देखिए, हम उनसे जरूर कहेंगे, वीडियो स्टार्ट किए, 2 मिनट देखें, समझ में नहीं आएगा और बंद कर देंगे, तो उनको दिक्कत होगा, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा लेक्चर में। जब तक लेक्चर में थोड़ा टाइम नहीं दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो बच्चे रेगुलर देख रहे होंगे उनको अब एक आइडिया मिल रहा होगा, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169, तो पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 69 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 69 आपको हम लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 69, 13 ज़्यादा है मेरे भाई, 13 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 526, कितना से मल्टीप्लाई होगा, 5 से, तो कितना आएगा, 6×35 = 0, 3, 5×10 = 13, 1 और 26, 2630, और यहाँ पे एक कैरी ले लो, कितना होगा, 2631, तो 513 हो गया। तो 513 का स्क्वायर आपको समझ में आया कि नहीं, इसको भी चेक कर देते हैं कि आप कन्फर्म हो जाइए। तो यहाँ पे देखिए, 513 को 513 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 15 होगा, यहाँ 3 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 25 होगा। देखिए, 9, 6, 1, 7, 5, 12, 1, 13, 3, 1, 6, 2, देखिए तो आया कि नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं कि जो आपको हम तरीका बताएं, ये तरीका यूनिवर्सल है, कहीं भी लगा सकते हैं। मैंने क्या बोला, जो भी नंबर है उसको बेस को पता कीजिए, आपको हम बता ही दिए, फिर से हम यहाँ लिख ही देते हैं, आपको याद रहेगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर 100 के करीब हो तो कितना से मल्टीप्लाई, 1 से, हम आपको लिख दे रहे हैं, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। अगर 150 के करीब है, सपोज कीजिए 150 के करीब है, तो 150 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, 3/2 से। अगर 200 रहे तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 250 है, 250 के करीब, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2 से, ठीक है। कैसे कर रहे हैं, सब में 100 से भाग दे रहे हैं हम, कुछ ऐसा नहीं कि हम याद कर लिए, सब में 100 से डिवाइड कीजिए, यही आएगा। फिर अगर 300 है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। अगर 350 है, ठीक है, तो कितना होगा, 7/2 से। कैसे जान रहे हैं, 100 से आप डिवाइड कीजिए ना, 3.5 में 100 से डिवाइड कीजिए, 10 से 10, 5×2 = 10, 5×7 = 35, तब ना लिख रहे हैं 7/2। तो हम कुछ अपना घरे से कुछ नहीं ला रहे हैं। अब अगर मान लीजिए यहाँ 400 है तो कितना से मल्टीप्लाई, 4 से। अगर 450 है तो कितना से मल्टीप्लाई, 9/2 से। अगर 500 है तो कितना से मल्टीप्लाई, 5 से। अगर 550 है तो कितना से मल्टीप्लाई, 11/2 से। फिर यहाँ देखिए, 2-2 के अंतराल से बोल रहा है, 3, 5, 7, 9, 11। अगर यहाँ फिर देखिए, 600 देखिए कैसे बढ़ा, 100 में 1, 200 में 2, 300 में 3, एक ही को बढ़ रहा है, 400 में 4, 500 में 5, 600 में कितना हो जाएगा, 6 से। अगर हम कहें कि 650 में कितना होगा, तब बोलिए तो डायरेक्ट 11 के बाद क्या आ जाएगा, 13, 13/2, वो
उसी तरह 700 है, 750 है, 800 है, 850 है, 900 है, 950 है, 1000 है, कोई भी नंबर हो। अब बताइए, अब इससे ज़्यादा क्या स्क्वायर होता है क्या? इतना पढ़ा दिए, अगर आप स्क्वायर चाहिएगा तो कोई भी स्क्वायर, अब इससे ज़्यादा और क्या कंसेप्ट बताएं? तो आज आपने क्या सीखा कि कोई भी नंबर का स्क्वायर करना है, बेस कितना मान लो मेरे भाई, 100 से डिवाइड करके बेस उसका निकाल लो। बेस करने का मतलब कितना से इंटू करेंगे। लेकिन एक शर्त, 30 तक याद होना चाहिए। अगर 30 तक नहीं याद है, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे इतना स्क्वायर निकालना, अब ऐसा नहीं करे सही बच्चे बहुत, लेकिन मैक्सिमम बच्चे इतना बड़ा बड़ा नंबर का स्क्वायर करना नहीं ही जानते होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हमने कैसे स्क्वायर किया। एक दो और बता दे क्या? चलिए एक दो और बता देते हैं और आपको समझाने का कोशिश करते हैं। चलिए एक दो और बता देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 623 का करना है, किसका करना है? 623 का करना है कि 623 का स्क्वायर कितना होगा। तो देखिए कितना ज्यादा है, 600 से 30 ज्यादा है। 23 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 529 होता है। तो सबसे पहले क्या लिख दीजिए? 29 लिख दीजिए। 23 ज्यादा है, इसमें 23 जोड़ दो तो कितना होगा? 646। 646 होगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें 600 है, 100 से भाग देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 1 36, 3 बचेगा, 6 4 की 24 और 3 27 और यहाँ पे 38, और यहाँ का हासिल कितना है? 5। तो कितना हो जाएगा जुड़िएगा तो 38 81, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 38 81 29। इजी है कि नहीं इजी है? तो अब बहुत हो गया, एग्जाम्पल भी बता दिए और 1 से लेकर 1000 तक आप आसानी से कर लीजिए, आगे भी बनेगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो ट्रिक है, दुनिया का कोई भी नंबर का आप स्क्वायर तुरंत कर सकते हैं। अब हम लोग अगले क्लास में जब मिलेंगे तो स्क्वायर रूट सीखेंगे। आज का क्लास उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए क्योंकि आप बड़ा से बड़ा नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, हमेशा वीडियो में नहीं, कि आपको अगर पसंद आ रहा है क्लास तो जरा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। दिक्कत है तो भाई कमेंट करके बताइए, हम और बेहतर कोशिश करेंगे कि और बेहतर ढंग से बताएं। तो आज का कैसा क्लास लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।